Hey guys, good morning, welcome back to my new blog. फिलहाल हो रहा है 10:30। आज हम जाएंगे मार्केट, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा गांव में जो मार्केट है वो तो रोज का लगता है। आसपास घर से 7-8 किलोमीटर के दूरी पे एक मंडी लगती है, एकदम बहुत बड़ा मंडी, जहाँ पे हर सारे चीज मिलती है, ग्रोसरी से लेके वेजिटेबल्स वगैरह, चिकन वगैरह, हर मछली वगैरह, हर चीज मिलती है। चलिए मैं आपको विजिट करवाऊंगा, बहुत बड़ी मंडी लगती है हफ्ते में एक बार। मार्केट तो जाने के लिए मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बस थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करते हैं और जल्दी जल्दी निकलते हैं मंडी के लिए। चलिए खाते हैं ब्रेकफास्ट में मैगी। मैगी खाएंगे। ये जो मैगी आप देख रहे हो ये गेलू के लिए बनाए थे मैंने, और ये जो मैगी बनाए थे गेलू ने ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा खाया है और थोड़ा मैं खाऊंगा। खाने के बाद वो बोल रहा है कि मेरे को उल्टी आ रहा है, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं दिया उसको, और ये जो थोड़ा बचा हुआ है मैं थोड़ा खा लूंगा। मस हो गया, चलते हैं अभी। चलिए अब चलते हैं। ये हमारा बारिकपुर मंडी, ये देखिए यहाँ पे छोटे बड़े सारे व्यापारी यहाँ पे हैं, ये देखिए बड़े बड़े व्यापारी भी हैं, छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, यहाँ पे होलसेल भी होती है, रिटेल भी होती है। देखिए वो कितना बड़ा मंडी है, बहुत बड़ा मंडी है। इस साइड में वेजिटेबल्स वगैरह, ये पूरा वेजिटेबल्स मार्केट है, ये पूरा वेजिटेबल्स मार्केट। इस साइड पूरा वेजिटेबल्स मार्केट, ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स मिलती है, ये एप्पल्स वगैरह, यहाँ पे एप्पल्स, आम, यहाँ पे केला,
इस साइड पर फ्रूट से इस साइड में, और इस साइड में जाल वगैरह में ये मार्केट पूरा जाल का भरा हुआ है। यहाँ पे चिकन और डॉग का व्यापारी लोग बैठते हैं सुनने के लिए। इस साइड अदरक रसुन और आलू प्याज का मिर्ची, देखिए यहाँ पे सिर्फ सूखा मिर्ची, बंगाल का व्यापार यहाँ पे, यहाँ से इतने लोहे के बने सामान यहाँ पे मिलती है। ये देखिए यहाँ पे सूखा मछली और नमकीन वाला मछली, हजार ना आंध्रा नहीं आंध्रा ना कत आज मंडी में बारिश की वजह से लोग नहीं आए, व्यापारी लोग नहीं आए। लिटरली मार्केट का काम मेरा खत्म कर चुका हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया, और मैंने लिया है प्याज लिया है, और हमारा घर में प्याज थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, और मैंने लिया है थोड़ा हरी मिर्च लिया है, टमाटर लिया है, और मैंने लिया है वो मछली लिया है, वो नमकीन वाला मछली जो सूखा मछली होता है वही वाला जिसे हम उड़िया में बोलते हैं सुखुआ, मैंने लिया है आधा किलो, तो आज खाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स लाने, क्योंकि खेत में डालने के लिए बाबूजी ने बोले थे कि 4-5 किलो फर्टिलाइजर्स जो लेके आना, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ लाने के लिए। ये भी सामने पोटास दे दूँ, यूरिया डाल दे दूँ। फाइनली पहुंच चुका हूं घर, जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी हो जाते हैं और लंच करते हैं। लंच में बनी है मछली करी, उसके साथ में लेंगे राइस, चलिए खाते हैं। फाइनली टाइम हो रहा है रात को 10:30, अभी डिनर करते हैं। डिनर में बनी है पक्खा और मछली भजा खाते हैं, इसका साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।